तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं पावर बीआई। तो पावर बीआई की इस कोर्स में हम बात कर रहे हैं पिवट टेबल की, क्योंकि हम पावर बीआई के कोर्स में भी एक्सेल पार्ट इंक्लूड किए हुए हैं। तो पिवट टेबल के बारे में बात करेंगे, और इससे पिछली क्लासेस में भी हमने पिवट टेबल के बारे में डिस्कस किया था। तो चलिए पिवट टेबल को ही कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूँ। तो ये डेटा कल वाला ही डेटा है जो कल हमने आपके साथ डिस्कस किया था, इसी में हम बात करते हैं आगे की तरफ। इसको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट करते हैं पिवट टेबल एंड ओके। तो यहाँ पे हमें पिवट टेबल में, जैसे कि हमने रीजन वाइज मान लीजिए या इंडस्ट्री वाइज हमने टोटल निकाला, तो मुझे इसको पहले बार जाना चाहता हूं कि मुझे इसको शॉर्ट करना है। तो शॉर्ट कैसे करेंगे, तो इस पे आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट ए टू जेड और जेड टू ए आराम से कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास दो हुआ तो जैसे मैं रीजन को भी इंडस्ट्री के नीचे रख देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपने अभी से क्या है कि दो है, इंडस्ट्री और रीजन है, तो अगर आपने रीजन के ऊपर सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके शॉर्ट किया तो जितने भी रीजन है वो सारे के सारे शॉर्ट होंगे। जी हाँ, जितने भी रीजन है सारे के सारे शॉर्ट होगा। बट आपका जो ये है इंडस्ट्री है तो जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर आपने अपने इंडस्ट्री के ऊपर सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके शॉर्ट किया तो फिर आपका इंडस्ट्री शॉर्ट होगा न कि आपका रीजन। तो शॉर्ट इस तरह से होता है, और शॉर्ट जरूरी नहीं है कि आप टॉप टू डाउन ही कर सके, इसमें आप लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। जैसे मैं रीजन को यहाँ रख दिया और मैं राइट क्लिक करके यहाँ शॉर्ट करता हूँ शॉर्ट ए टू जेड जेड टू ए, तो मैं कॉलम वाइज भी शॉर्ट कर सकता हूँ। बट शॉर्ट करने में प्रॉब्लम ये होती है कि आपने पिवट टेबल को शॉर्ट किया तो वो अल्फाबेटिक या फिर न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग शॉर्ट होता है। लेकिन कभी कभी जरूरत होती है हमें खुद के अकॉर्डिंग अरेंज करने की। जैसे मैं चाहता हूँ फाइनेंस सबसे टॉप पे रहे, तो फाइनेंस के ऊपर दो तरीका है, एक तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ आपके सामने आता है मूव मूव फाइनेंस टू बिगनिंग, या अप डाउन लेफ्ट, ये सारे आपके ऑप्शन है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो फाइनेंस टू बिगनिंग से हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए बिगनिंग आ गया। या दूसरा तरीका है कि आप इसको सिलेक्ट कीजिए और इसके ऊपर इस तरह कर्सर बने तो इसको उठा के आप मूव कर सकते हैं। और ये मूव सिर्फ टॉप टू डाउन नहीं, लेफ्ट टू राइट भी होता है, इस तरह से आप मूव कर सकते हैं। मूव के बाद हमने अभी शॉर्टिंग किया और हमने आपको मूविंग किया, उसके बाद अगला आता है फिल्टर। कि अगर आपको डेटा फिल्टर करना हो तो कैसे फिल्टर करेंगे, तो फिल्टर किस केस में किया जाता है, जो हमारे पास काफी ज्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी में ये आना चाहिए। जैसे मुझे इसमें से टॉप थ्री कस्टमर चाहिए तो यहाँ पे आइए और यहाँ पे वैल्यू वैल्यू के अकॉर्डिंग टॉप टेन में जाके मैं टॉप थ्री सिलेक्ट कर सकता हूँ यहाँ से एंड ओके। अब आप देखिए आपका टॉप थ्री सिलेक्ट हो गया। जी हाँ, टॉप थ्री। इसी तरह से देखिए, जब भी फिल्टर लगाते हो दो फिल्टर होता है, एक वैल्यू फिल्टर जो कि जो वैल्यू है उस पर फिल्टर अप्लाई होता है, और दूसरा आता है लेवल फिल्टर जो आपके लेवल होते हैं उस पर अप्लाई होते हैं। तो लेवल फिल्टर में आया और हमने यहाँ पे अपना जो फिल्टर चाहिए वो फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं जो आपको सामने दिख रहा है। तो सारे फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। यहाँ तक कि फिल्टर बाई कलर है वो भी, मान लीजिए आपने अगर कंडीशनल फॉर्मेटिंग या नॉर्मली हाईलाइट कर दिया हुआ है तो आप फिल्टर बाई कलर भी कर सकते हैं। माफ कीजिएगा, फिल्टर बाई कलर, फिल्टर बाई कलर जो है यहाँ पिवट में नहीं आता, नॉर्मल में आता है। मैं गलत बोल गया, मैं माफी चाहूंगा। और सिर्फ फिल्टर हम टॉप टू डाउन ही नहीं, लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे इंडस्ट्री को यहाँ पे रखा
और मुझे इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग फिल्टर करने थे। यहाँ देखिए कॉलम लेबल्स आपको दिख रहा है, तो ये इसके अकॉर्डिंग फिल्टर होगा, जिससे मैं चाहता हूँ कि मुझे इसमें फाइनेंस दिखे, हेल्थ केयर दिखे, इंडस्ट्री ना दिखे, सर्विसेज ना दिखे और इंप्लाइज ना दिखे। इसको सिलेक्ट करके ओके कर दिया तो देखिए आपका सामने बाकी हाइड हिडन हो गया। ये आपका कॉलम फिल्टर होता है। तो रो फिल्टर एंड कॉलम फिल्टर के बाद हम अगला टॉपिक बात कर रहे हैं, वो है पेज फिल्टर। पेज फिल्टर भी पूरी की पूरी डेटा फिल्टर करना। तो पेज फिल्टर कैसे अप्लाई होता है, यहाँ रीजन को हमने सिलेक्ट किया और यहाँ से हमने अपना पेज फिल्टर अप्लाई किया। अब मान लीजिए मुझे एक से ज्यादा लेना है तो सिलेक्ट मल्टीपल आइटम, हम यहाँ मल्टीपल आइटम को सिलेक्ट करेंगे तो मल्टीपल आइटम हो जाएगा। बट प्रॉब्लम ये आती है कि जब हमारे पास कई सारे फिल्टर होगा तो इसमें दिक्कत होगी। सर मैं थोड़ा सा ग्राफिकल और थोड़ा सा अच्छा फिल्टर हमें चाहिए, तो उस केस में हमारे पास स्लाइसर होता है। जी हाँ, पिवट टेबल एनालाइज में जाइएगा, इंसर्ट स्लाइसर, और किस किस फील्ड पे स्लाइसर लगानी है उस फील्ड आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए, आपका स्लाइसर ऐड हो जाएगा। फिर इसको जहां मर्जी वहां प्लॉट कर सकते हैं। छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ये स्लाइसर ध्यान रखिएगा आपका पावर बीआई में भी आता है, ठीक है। अपने हिसाब से रेंज कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे फाइनेंस को सिलेक्ट करूंगा तो पूरा रिपोर्ट फाइनेंस के अकॉर्डिंग होगा। फाइनेंस के साथ हेल्थ केयर चाहिए तो फाइनेंस और हेल्थ केयर के ऊपर मैं कर्सर को मूवमेंट करूंगा तो ये आपको यहाँ दिख जाएगा। एक चीज और देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंस को सिलेक्ट किया तो इसमें देखिए फाइनेंस के अंदर मिडल ईस्ट और साउथ अमेरिका जो है नहीं है, इसमें आपका ये जो है 2% नहीं है, तो जो नहीं है वो इस तरह से ग्रे हो जाते हैं। तो इससे पता चल जाता है कि हाँ इसमें एज डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। एक अच्छा बेनिफिट है। और स्लाइसर की मदद से हम डैशबोर्ड भी वगैरह बनाते हैं। तो कल की क्लास में हम आपको स्लाइसर और रिलेशनशिप के बारे में अच्छी तरीके से समझाएंगे। फिलहाल मैंने जस्ट ओवरव्यू दिया हुआ है क्योंकि हम फिल्टर लगा रहे थे तो फिल्टर के साथ कंपेयरिंग स्लाइसर इम्पोर्टेंट था। तो आप लोगों को डाउट तो नहीं है, समझ आ रहा है ना? हेलो अजय जी, इंतजार जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। ये हो गया हमारा। सर एक क्वेश्चन है, हम स्लाइसर में मल्टीपल फिल्टर्स यूज कर सकते हैं? मल्टीपल फिल्टर मतलब समझा नहीं, मल्टीपल फिल्टर है मतलब हम ईयर को भी फॉर इंस्टेंस हम ईयर 2008 लें और इंडस्ट्री में भी एक फिल्टर लगाए तो ऐसा हो सकता है? देखिए थोड़ा ऐसा आप कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, आगे बढ़े। जी जी, थैंक यू। अब इसमें हम बात करते हैं ग्रुपिंग का। तो एक हम अलग फिगर लगाते हैं ग्रुपिंग के लिए। जैसे मान लीजिए आपने इसमें इंडस्ट्री को यहाँ पे रखा और क्वांटिटी को आपने यहाँ रखा, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं कि कस्टमर गुड्स हैं, कंज्यूमर गुड्स है, फाइनेंस है, हेल्थ केयर है, इंडस्ट्री गुड्स है, मटेरियल है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है, इंप्लॉयमेंट। तो मेरी जो कंपनी है उसमें टेक्नोलॉजी एंड आपका फाइनेंस जो है एक ही टीम है, तो मैं चाहता हूँ इनका एक ही डेटा आना चाहिए, फाइनेंस एंड टेक का, समझे? फाइनेंस और टेक का एक ही आना चाहिए। तो हमने क्या किया, कंट्रोल से दोनों को सेलेक्ट कर लिया और राइट क्लिक करके हमने यहाँ पे किया ग्रुप।
यहाँ देखिए ग्रुप वन आ गया, अब इस ग्रुप वन को नेम डाल देता हूँ फाइनेंस एंड टेक। अब यहाँ पे देखिए दो आ गए, एमएससी टू एंड एमएससी आ गया, तो पहले वाली जो यूनिवर्सिटी थी उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो हम देख रहे हैं, आप देख पा रहे टेक्नोलॉजी और फाइनेंस का इकट्ठा मेरा यहाँ पे टोटल आ गया। किस तरह से आप दो या दो से ज्यादा जो आपके फील्ड होंगे उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि डेटा में आपका मान लीजिए अलग अलग है बट पिवट में आपको एक साथ चाहिए, तो आप उसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर। कैसे ग्रुप करेंगे? आप जो जो है उसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करते जाइए, कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिएगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, देन राइट क्लिक एंड ग्रुप। क्लियर है विदाउट इसमें? तो ये हमारा टेक्स्ट ग्रुप होता है, लेकिन इसी पे अगर आप नंबर ग्रुप करना चाहते हैं तो नंबर ग्रुप भी कर सकते हैं। नंबर ग्रुप मतलब कि मुझे एक रेंज पता करनी है कि किस रेट में हमारे मतलब सेल हो रहा है, मतलब कि हमारे पता करना है कि 10 से 20 रुपए वाले प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं, 20 से 25 रुपए वाले प्रोडक्ट कितने सेल हो रहे हैं, 25 से 30, ऐसे मुझे स्लैब में चाहिए। तो आप इसको सेलेक्ट कीजिए, अब हमने एमआरपी को क्या कर दिया, रो में डाल दिया। एमआरपी के ऊपर मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, राइट क्लिक करने के बाद मैं जा रहा हूँ ग्रुप, और ग्रुप में देखिए 10 और ये आपका 540। तो जरूरी नहीं है कि मतलब ये जो 10 आया और 540 आया, ये बेसिकली क्या है आपके जीरो मतलब ये ले लिया स्टार्टिंग, मिनिमम और मैक्सिमम ले लेता है, जो आपके डेटा में मिनिमम होगा और मैक्सिमम होगा उसको ले लेता है। लेकिन मुझे अपने हिसाब से चाहिए तो मैं यहाँ पे जीरो और यहाँ पे मान लीजिए तो मैं 1000 दे देता हूँ, और मुझे 100 का स्लैब नहीं चाहिए, मुझे 10 का स्लैब चाहिए। 10 डाल दिया एंड ओके। अब देखिए 10 टू 19, 20 टू 29, 30 टू 39, ये आपके स्लैब आ रहे हैं। अब मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, इसका नाम कुछ और भी रख सकता हूँ, जैसे कि मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि आप यहां पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आगे समझ में आपको है ग्रुप, नंबर ग्रुप? यस सर। नंबर ग्रुप के बाद आती है डेट की ग्रुप, तो मैं डेटा में एक डेट डालता हूं यहां पे, मैं डेट को लेके ड्रैग कर दिया ऐसे। अब जैसे कि मैं यहां अगर पिवट टेबल लगा रहा हूं, और पिवट टेबल में हमारा जो डेट है, डेट को मैंने रो में रखा, तो देखिए बाय डिफॉल्ट इस तरह से आपका ग्रुप हो जाता है, क्वार्टरली फिर मंथली फिर डे, इस तरह से। तो आप इसको राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दीजिए तो आपका डेट वाइज आ जाएगा। मान लीजिए मैं क्वांटिटी रख देता हूँ, मुझे यहाँ पे मंथली सेल चाहिए, सिर्फ मंथली, तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ग्रुप कीजिए और यहाँ पे मंथ को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, हमारा मंथली सेल आ गया। अब जरूरी नहीं कि मैं यहाँ पे एक काम और कर सकता हूँ, मैं यहाँ रीजन डाल देता हूँ नीचे और इस मंथ डेट को उठा के कॉलम में डाल देता हूँ, तो देखिए इस तरह से मंथली सेल का आ गया। या फिर आप इसको उठा के यहाँ डाल दीजिए तो यहाँ पे आपको फिल्टर आ जाएगा। तो इस तरह से ग्रुप कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ग्रुप जो होगा सिर्फ मंथ में होगा, हम मंथ और क्वार्टर दोनों करना चाहते हैं, तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे ग्रुप क्वार्टर सेलेक्ट कीजिए, तो आपका क्वार्टरली आ गया। मुझे मंथली और ईयरली चाहिए, क्वार्टरली नहीं चाहिए, तो ग्रुप मैंने क्वार्टर को हटाया और ईयर को सिलेक्ट कर लिया और देखिए आ गया। फिर मैं यहाँ ईयर को उठा के हमने रो में डाल दिया, तो देखिए दो साल का अलग अलग हमारे पास रिपोर्ट बन गया। ओके, लेकिन मुझे जो चाहिए वो मुझे यहाँ पे चाहिए 15 दिन का गैप चाहिए, फिर हर 15 डेज का रिपोर्ट चाहिए। तो ग्रुप में आप ईयर मंथ सबको हटा दीजिए और डे पे क्लिक कीजिए। जब मल्टीपल आइटम सिलेक्ट होगा तो ये हाईलाइट नहीं होगा, लेकिन अगर सिर्फ डे सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ डेज जो है ये आपका हाईलाइटेड होता है, बाकी में कुछ हाईलाइटेड नहीं होगा। आप देख रहे हैं, तो डेज को हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने 15 डाल दिया। ओके, हर 15 दिन का रिपोर्ट आपका सामने जो देख रहे हैं।
तो ग्रुप में आपने सीखा नंबर टेक्स्ट को ग्रुप करना, नंबर को ग्रुप करना, और आपने सीखा किस तरीके से आप डेट को ग्रुप करें। क्लियर है? किसी को डाउट इसमें? अजय जी, इम्तियाज जी, कोई डाउट? सारा जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हेलो सर, एक बार दोबारा प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए। वो एक्चुअली कुछ शायद नेट का इशू था। मैंने बताया आपको कि ग्रुप जो हम करेंगे तो हम ग्रुप को डेट वाइज भी ग्रुप कर सकते हैं। हम इस पर राइट क्लिक करेंगे एंड यहाँ ग्रुप पे जाएंगे, और हमने यहाँ पे देखा जब डेट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे 15 डेट दे लिया तो हर 15 दिन का यहाँ पे ग्रुप हो किया जाएगा। तो करने का मतलब है कि ग्रुप में, डेट की ग्रुप में आप जो है मंथली कर सकते हो, ईयरली कर सकते हो, क्वार्टरली कर सकते हो, डेट डेट टाइम पे भी कर सकते हो, एक से या एक से ज़्यादा कोई सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डेट मतलब कि आपको मंथली नहीं चाहिए, आपको डेट चाहिए, 15-15 दिन का गैप चाहिए, 10 दिन पे चाहिए, या 20 दिन पे चाहिए, या 90 दिन का चाहिए, तो आप यहाँ पे डेट को सिलेक्ट कीजिए और नंबर ऑफ डेट यहाँ पे डाल दीजिए, देन ओके उसी हिसाब से ग्रुप हो जाएगा। तो सारा जी, इम्तियाज जी, कोई डाउट तो नहीं इसमें ग्रुपिंग में? नो सर। ये चीजें पहले से पता थी आप लोगों को? यस सर। चलिए अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें अब अगला ऑप्शन यहाँ पे एक और आता है जो मुझे मुझे लगता है आपको पता होगा। मैं एक चीज और बता रहा हूँ आपको, मैं एक बार डिलीट करता हूँ बाकी फालतू रिपोर्ट को। अब जैसे कि डेटा है और मुझे इस पे रिपोर्ट बनानी है, एक छोटी सी रिपोर्ट बनानी है, मैं एक काम करता हूँ, या मंथ डाल देता हूँ यहाँ पे, डेट के जगह पे मैं मंथ डाल देता हूँ, मंथ डेट को ही डालता रखता हूँ, हाँ मंथ डाल देता हूँ यहाँ पे। और मैंने क्या किया, रिपोर्ट बनाया, पिवट टेबल में गया और हमने इसमें रिपोर्ट बनाई। इसमें हमने डाला रीजन, यहाँ डाला इंडस्ट्री को, मैंने यहाँ डाला रीजन के नीचे, मैंने प्रोडक्ट डाला और हमने यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया। ओके अब मैं इस पे पिवट टेबल ऑप्शन पे गया, जहाँ ब्लैंक था वहां पे जीरो डाल दिया, रिपोर्ट हमारा तैयार। अभी क्या है, ओवरऑल रिपोर्ट है, तो हमने क्या किया, मंथ को जो हमारा मंथ है उसको उठा के रख दिया फिल्टर में, स्लाइसर मान लीजिए। तो मैं यहाँ से एक एक महीने की रिपोर्ट ऐसे देख सकता हूँ, बट मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि हर महीने की रिपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट शीट पे आए, मतलब कि 12 शीट डिक्लेयर यहाँ पे क्रिएट हो और हर महीने की रिपोर्ट 12 अलग अलग शीट पे डाल दिया जाए। बात समझ में आया मैं कहना क्या करना चाहता हूँ? तो जिसके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको आप फिल्टर में, उसके बाद पिवट टेबल एनालाइज हेलो सॉरी मैं मॉडेम रीस्टार्ट हो गया था, सॉरी मेरी गलती थी। सर आई कैन ओके। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि हमने एक रिपोर्ट बनाया हुआ है जिसमें हमने फिल्टर को मंथ में रखा हुआ है, और मैं चाहता हूं यहाँ पे हर महीने का अलग अलग शीट क्रिएट हो, मतलब कि मैं यहाँ पे वन बाय वन मंथ यहाँ देखना नहीं चाहता। ठीक है, हम चाहते हैं कि हर महीने का रिपोर्ट अलग अलग क्रिएट हो, यहाँ पे जनवरी का, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, सबका अलग अलग मंथ क्रिएट। तो क्या करेंगे इसके लिए? सर ऑप्शन में जाके सर ऑफ कर देंगे। नहीं, यहाँ ऑप्शन में जाके यही पे होता है शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, शो रिपोर्ट फिल्टर पर पेज, फिर आप जो आपका जो इसमें डला हुआ है फिल्टर, ध्यान रखिएगा फिल्टर में होना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे शो नहीं करेगा। सेलेक्ट कीजिए एंड ओके कीजिए।
आ गया सर। अब इसमें भी प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए डेट है आपका क्वेश्चन, अगर डेट के अकॉर्डिंग डालेंगे तो फिर आपका जनरेट नहीं होगा, क्योंकि सीट का नाम जो है डेट स्लैश वगैरह सीट के नाम में नहीं लगता है, इसलिए ठीक है। सॉरी सर, इसलिए आपको डेट वगैरह करना चाहते हैं ना तो इसका इसके आप जो है ना डेट नहीं डाल सकते, मतलब कि यहाँ पे आप खोलेंगे दस स्लैश स्लैश टाइप नहीं होता इसके। अच्छा वो फिक्स हो जाता है सर। ओके समझ गया जी। एक बार में देखिए 10 रिपोर्ट आपका 10 अलग अलग शीट पर तैयार हो गया, तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। चलिए तो सिलसिले में इसमें आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि हमने अभी जो रिपोर्ट बनाया उसके लिए सीट्स ली, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास एक अलग सीट है मान लीजिए रिपोर्ट का, और मैं चाहता हूँ मेरा कीवर्ड यहीं पर लगे, तो उस केस में हम कीवर्ड लगाते समय यहाँ एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आके हम सिलेक्ट कर लेते हैं अपना एरिया जहाँ पे मुझे कीवर्ड चाहिए, लग गया। अब मैं चाहता हूँ इसमें पिवट जो लगाया मैंने, मान लीजिए हमने पिवट लगा दिया कि इसमें मंथली ईयरली क्वांटिटी आ गया, ये तो एक रिपोर्ट हो गया, मुझे एक और रिपोर्ट बनानी है यहाँ पे, क्योंकि क्या है कि इससे हम लोग एक ही तरह की कई रिपोर्ट तैयार नहीं करते, मुझे मान लीजिए कि इसमें इसमें सेम रिपोर्ट चाहिए लेकिन इसमें मुझे चाहिए एमआरपी का एवरेज, तो चलो मैं एमआरपी का यहाँ डाला और इसका एवरेज निकाल दिया, राइट एवरेज निकाल दिया, बट मैं इसको चार्ट के थ्रू विजुलाइज करना चाहता हूँ, तो चार्ट के थ्रू विजुलाइज नहीं हो पाया, एक तो बहुत बड़ा डेटा हो गया जाएगा, दूसरा आपको यहाँ समझ में नहीं आया क्यों, क्योंकि आपकी जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा है बट एवरेज बहुत छोटा है, तो इसलिए हम चाहते हैं दोनों का अलग अलग रिपोर्ट तैयार करना, जैसे यहाँ पे तो एक ही सीट पे दो पिवट लगा सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि पहला पिवट फाइनल हो जाए, देन पिवट टेबल एसी वर्कशीट, और यहाँ हमने सिलेक्ट कर लिया अपनी लोकेशन एंड ओके। अब इसमें मैं सेम जो है ईयर को रखता हूँ, नाम क्या दिया और ईयर को यहाँ किया, उसके बाद हमने एमआरपी को यहां रखा और एमआरपी का एवरेज हमने लगा दिया, तो दो अलग अलग रिपोर्ट आ गए। अब इसको थोड़ा सा मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूं राउंड, यार जरूरत ही नहीं है, आप डेसिमल हटा भी दिया हमने, अब मैं इसके ऊपर आके चार्ट लगाता हूं। अब जैसे कि ये जो बहुत सारी चीज़ें दिख रहा है तो मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से हाइड ऑल फिट ऑन चार्ट हटा दिया, और यहाँ पे हम डिजाइन में आके अपना लेआउट को सेलेक्ट करते हैं, तो बड़ा कर लीजिए ठीक है, समझ में आ रहा है ना, मंथली सेल्स में हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा सेल जो है वो आपका 1200 सेल बीच में है, 2003 में है जनवरी महीने में, और इससे भी अलग लगाया जा सकता है, या मान लीजिए मैंने ईयर ईयर जो है वो ईयर को हटा देता हूँ, मैं यहाँ राइट क्लिक शो फील्ड में आता मैं ईयर हटा देता, अब इससे कंपेयरिंग करेंगे तो दो अलग अलग कंपेयर आपको अच्छा दिखेगा, ये आ गया, और इसके लिए आप अलग कंपेयर करेंगे, एक जैसा एक तरह आता तो दिक्कत होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इसका जो लेजेंड है हजारों में है, इसका लेजेंड 100 से नीचे है, तो अगर दोनों चार्ट एक जगह होता तो इसकी लाइनिंग सबसे नीचे छोटी आ जाती, कंपेयर नहीं कर पाते, इसलिए हम एक ही सीट पे दो अलग अलग कीवर्ड को लगाते। ओके
तो आज के लिए इतना ही, कल की क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक्सटर्नल पिवट टेबल स्लाइसेस के बारे में और उनके बारे में। तो तीन दो क्लास और रह गई है पिवट की, कैलकुलेशन वगैरह भी कल की क्लास में मैं कवर करूंगा। सर आप ये डेटा फाइल शेयर करेंगे? डेटा फाइल एक मिनट, प्रैक्टिस पेपर्स के लिए सर। मैं इसको सेव कर देता हूँ, मैं कल सेव करना भूल गया था सर, बुरा तो था लेकिन गलती से इसको सेव ही नहीं किया था। तो वीडियो मिल जाएगा ना सर हम लोग को? हाँ वीडियो मिल जाएगा, लुक मिल जाएगा। वीडियो पे रिकॉर्ड नहीं किया है क्या? नहीं सर, आप भेज देते तो मिल जाता है सर। आपने और आपने रिकॉर्डिंग शुरू ही नहीं की, ये आपकी प्रॉब्लम है, आप रिकॉर्डिंग कर लेते ना सर। एक्चुअली आप भेज देते हैं तो इसीलिए सर मैंने किया। ठीक है लेकिन ऑल्ट प्लस आर प्रेस कर दीजिएगा तो रिकॉर्ड होकर आपके सिस्टम में ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। मेरी रिकॉर्डिंग मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट सर एक कल एक इशू था सर, वो आप जो मंथ वाइज जो चल रहे थे हम लोग, आप जो कल एग्जांपल दे रहे थे मंथ वाइज के लिए जनवरी फरवरी मार्च लिया, मगर उसको हम लोग कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे थे। कल एक एग्जांपल आप दे रहे थे ना सर, तो उसका कोई सलूशन निकला सर? अच्छा वो हाँ उसमें उसमें दिक्कत था कि वो जो डेट था ना, डेट नंबर था, डेट को टेक्स्ट फॉर्मेट में करने से हो जाता है। मैं उसको बताऊंगा, पावर बीआई में पावर स्टोरी में आपको समझा दूंगा। ओके अच्छा सर, ये मेरा पावर बीआई में सर बड़ा फाइल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है कि कोई दिक्कत? मैंने भेजा था एरर आ रहा था कुछ समथिंग। पावर बीआई में आप बोल रहे हैं बड़ा फाइल इंपोर्ट नहीं हो रहा है? ये सर एक्सेल का ही था, उसे कुछ इश्यूज आ रहे थे। मैंने आपको व्हाट्सएप किया था सर। आप उसके चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे तभी तो इंपोर्ट होगा। अच्छा आपको आप बताया था ना कल कि जब भी कोई डेटा इंपोर्ट करते हैं तो जब मैथ 2020 है उसके आगे चेक बॉक्स दिख रहा है ना सर, ओके उस पे क्लिक कीजिए तो इंपोर्ट हो जाएगा ना सर। कोई डेटा बड़ा हो चाहे छोटा उससे कोई इशू नहीं है सर? कोई प्रॉब्लम नहीं। जी थैंक यू सर। ओके तो आप मेरी ईमेल आईडी बता दीजिए। इंतिया अजय जी आप बताइए। सर अजय डॉट चौहान ये सर जो पहले हाईलाइट हो गया। इंतिया जी बताइए। एम आई सर इजाबेद आई जेड ये है ना? हाँ आ गया सर ये वाला। और सारा जी आप बताएंगे?